चलो, खुदावंद और यीशु पर हमारा मजबूत ईमान हमें उससे वफादारी बख्शता है और नामुमकिनात में हमें साबित कदम रखता है। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। यीशु ने यूहन्ना 14वें बाब में कहा कि तुम खुदावंद पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। इससे उनकी यही मुराद थी कि वो जिस तरह खुदा में से निकले हैं, उसी तरह वो खुदा की तरह हमेशा जिंदा रहेंगे। इसीलिए उन पर ईमान बेफायदा साबित नहीं होगा। असल में शागिर्द डरे और सहमे हुए थे और इस वजह से उनके ईमान की मजबूती के लिए यीशु ने ये कहा, ताकि शागिर्द यीशु की रूहियत को समझ सकें। यीशु ने अपनी जमीनी जिंदगी में जो कुछ भी किया, वो सब कुछ उसके शागिर्दों के लिए मछले रहा था। इसके अलावा यीशु के इर्द गिर्द भी जो कुछ वाकया होता था, वो सब भी शागिर्दों के लिए सबक आमोज ही होता था। इसी वजह से रसुल्ला के दौर में हमें शागिर्दों में पाक रूह का भरपूर किरदार नजर आता है। मध्य 14वें बाब में हमें इन्हीं बातों की आगाही मिलती है। इस बाब में हमें यूहन्ना इस्तबागी का खुदा पर पुख्ता ईमान और उसकी खुदा के लिए वफादारी नजर आती है। वो खुदा की शरीयत को तोड़ने की बजाय मरने को तरजीह देता है। इसलिए यीशु उसकी और उसकी खिदमत की बेमिसाल तारीफ करते हैं। फिर इसी 14वें बाब में यीशु ने अपने शागिर्दों को 5000 लोगों को खाना खिलाने का हुक्म दिया। अजीजो, आज भी हमें यीशु के शागिर्द होने के नाते हमें वो काम करने का हुक्म दिया जाएगा जो हमारे लिए नामुमकिन होगा। लेकिन अजीजो, याद रखिए, जो चीज हमारे लिए नामुमकिन होती है वो खुदा के लिए नामुमकिन नहीं। खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। इस 5000 लोगों को खाना खिलाने वाली हकीकत ने हमें यही सीख दी है कि खुदा के लिए ना तो अहदे कदीम में कुछ नामुमकिन था और ना आज। फक्त हमें उस पर ईमान रखना है। फिर इस बाब के आखिर में हम देखते हैं कि शागिर्दों की ईमान की आजमाइश होती है। जब यीशु पानी पर चलकर इनकी तरफ आते हैं, 12 शागिर्दों में से सिर्फ एक यानी पतरस रसूल ही यीशु के पास पानी पर चल के जाने के लिए राजी होते हैं। ये भी हकीकत है कि शायद उनके साथियों ने इस काम को दीवानगी और पागलपन समझा और कहा हो, लेकिन पतरस रसूल ने उनकी परवाह नहीं की। इस तरह बाकी शागिर्द कश्ती में ये सारा माजरा देखने में महव हो जाते हैं। यहाँ तक ये वाकया ये हमें सिखाता है कि हमें दीगर खादमों को ही नहीं देखते रहना, बल्कि खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखना है और किसी की परवाह नहीं करनी। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही नामुमकिनात हमारे लिए मुमकिन होंगी। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि पतरस रसूल ने यीशु की फरमाबरदारी करते हुए पानी पर चलना शुरू कर दिया और यीशु के नजदीक पहुंचते ही उनको ये सच्चाई मालूम होती है कि वो पानी पर कदम रखे हुए हैं। ये ख्याल उनके दिल में डर पैदा कर देता है, जिसकी वजह से उनका ध्यान जो यीशु पर होता है वो डगमगा जाता है और नजरें यीशु से हट जाती हैं। तभी वो पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो हमें यहाँ पर मिलती है अजीजो, वो है यीशु ने फौरी तौर पर हाथ बढ़ाकर पतरस रसूल को बचा लिया। ये वो खूबसूरत साथ है जो कभी हमसे दूर नहीं होता। फिर यीशु ने मोहब्बत से पतरस रसूल को कभी शक न करने की नसीहत की। अजीजो, आज इस सारे बाब में, इस 14वें बाब में हमें यही सबक मिलता है कि खुदावंद और यीशु पर हमारा मजबूत ईमान ही हमें उससे वफादारी सिखाता है और हमें जिंदगी की राहों में, दुश्वारियों में, मुश्किलात और नामुमकिनात में भी साबित कदम रखता है। आज जरा सोचिए, आप खुदावंद और यीशु पर ईमान में कहां खड़े हैं? क्या आप यूहन्ना इस्तबागी की तरह जान देने तक वफादार हो सकते हैं? क्या आप 5000 लोगों को खाना खिलाने की तरह नामुमकिनात से मुंह तो नहीं फेर लेते? और क्या आप यीशु की फरमाबरदारी करते हुए जिंदगी की आजमाइशों के लिए तैयार हैं?
याद रखें, यीशु हमारी मदद को हमेशा हमारे साथ है और वो आज के दिन भी आपके और मेरे साथ है। इन तमाम सवालात और बातों पर गौर कीजिए और मैं दुआगो हूं कि खुदावंद में आपका आज का दिन भी मुबारक और बाबरकत ठहरे। आमीन। सलामत रहें।